चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारी बच्चों, राजस्थान स्टेट के फर्स्ट राउंड एमबीबीएस बीडीएस का रिजल्ट आ चुका है। कट ऑफ मैं आपको इस वीडियो में कैटेगरी वाइज बता देता हूं, कितनी कट ऑफ रही है गवर्नमेंट कोटा की और कितनी कट ऑफ रही है पेमेंट सीट के लिए, दोनों मैं आपको यहां पर बता देता हूं। कट ऑफ वही रही है जो हमने प्रेडिक्ट की थी, फर्क इतना ही रहा है कि इस बार जनरल और ओबीसी कैटेगरी में कोई अंतर नहीं रहा है, यानी कि थोड़ा बहुत रैंक का फर्क रहा है, नहीं तो राजस्थान में जनरल और ओबीसी में कम से कम 2 या 3 मार्क्स का डिफरेंस रहता है। तो सबसे पहले हम बात करें गवर्नमेंट कोटा सीट की, तो यूआर कैटेगरी के जिस कैंडिडेट के 12,714 रैंक थी उसके 632 मार्क्स थे, जीएमसी करौली लास्ट कॉलेज मिला है। ओबीसी की कैटेगरी की बात करें तो 13,039 रैंक जिसके 632 मार्क्स थे, जीएमसी बूंदी मिला है। ईडब्ल्यूएस बॉयज कैंडिडेट के लिए 13,785 रैंक जिसके 630 मार्क्स थे, जीएमसी करौली मिला है। ईडब्ल्यूएस गर्ल्स कैंडिडेट जिसकी स्टेट रैंक 1,905 थी और ऑल इंडिया रैंक 14,439 थी जिसके मार्क्स 629 थे, जीएमसी करौली मिला है। एमबीसी बॉयज कैंडिडेट के लिए 27,374 रैंक 603 मार्क्स वाले कैंडिडेट को जीएमसी करौली मिला है। और एमबीसी कैटेगरी गर्ल्स कैंडिडेट के लिए, बॉयज और गर्ल्स में काफी डिफरेंस रहता है यहाँ एमबीसी कैटेगरी में, तो 32,686 रैंक जिसके 594 मार्क्स थे, जीएमसी धौलपुर मिला है। एससी कैटेगरी की बात करें तो 83,826 मार्क्स वाले कैंडिडेट को जीएमसी करौली मिला है। एसटी बॉयज 89,412 रैंक जिसके थे 520 मार्क्स वाले कैंडिडेट को जीएमसी दौसा मिला है। बात करें एसटी गर्ल्स कैंडिडेट की तो 92,659 रैंक जिसके 517 मार्क्स थे, जीएमसी हनुमानगढ़ मिला है। एसटीए कैटेगरी बॉयज कैंडिडेट के लिए 297,614 रैंक जिसके 359 मार्क्स थे, जीएमसी हनुमानगढ़ मिला है। एसटीए कैटेगरी गर्ल्स कैंडिडेट में 299,359 रैंक जिसके मार्क्स थे 358, जीएमसी श्री गंगानगर मिला है। तो ये तो थी कट ऑफ गवर्नमेंट सीट की, अब हम आपको पेमेंट सीट की कट ऑफ बताते हैं। तो यूआर कैटेगरी जिसके ऑल इंडिया रैंक 36,314 थी जिसके मार्क्स 588 थे, जीएमसी करौली मैनेजमेंट सीट मिली है, यानी पेमेंट सीट मिली है। ओबीसी बॉयज कैंडिडेट 38,668 रैंक जिसके 584 मार्क्स थे, जीएमसी करौली मिला है। ओबीसी गर्ल्स कैंडिडेट 40,667 रैंक जिसके 581 मार्क्स थे, जीएमसी श्री गंगानगर मिला है। ईडब्ल्यूएस बॉयज कैंडिडेट को 41,723 रैंक जिसके 580 मार्क्स थे, जीएमसी करौली मिला है। ईडब्ल्यूएस गर्ल्स कैंडिडेट 43,156 रैंक जिसके 578 मार्क्स थे, जीएमसी करौली मिला है। एमबीसी बॉयज कैंडिडेट के लिए 53,878 रैंक जिसके 563 मार्क्स थे, जीएमसी बूंदी मिला है। इसके बाद एमबीसी गर्ल्स कैंडिडेट 82,308 रैंक जिसके 528 मार्क्स थे, जीएमसी हनुमानगढ़ मिला है। मैं आपको पहले बता चुका हूं एमबीसी कैटेगरी में गर्ल्स और बॉयज की रैंक में काफी डिफरेंस रहता है, यानी गर्ल्स कैंडिडेट को काफी डाउन रैंक पे कॉलेज मिलती है इंस्टीट्यूट ऑफ बॉयज कैंडिडेट। एससी बी कैंडिडेट की बात करें, यानी कि एससी बॉयज कैंडिडेट के लिए 254,402 रैंक जिसके 385 मार्क्स थे, जीएमसी हनुमानगढ़ मिला है। एससी जी कैटेगरी 254,481 रैंक जिसके 384 मार्क्स थे, सेम कॉलेज मिला है। एसटी बी कैटेगरी कैंडिडेट 241,327 रैंक जिसके मार्क्स थे 393, जीएमसी हनुमानगढ़ मिला है। एसटीए कैटेगरी के बॉयज कैंडिडेट 980,930 रैंक जिसके 142 मार्क्स थे, एसटीए गर्ल्स के भी जिसके 142 मार्क्स थे, जीएमसी दोसा मिला है गर्ल्स कैंडिडेट को और बॉयज को जीएमसी अलवर मिला है। मैनेजमेंट की जो सीटें हैं एसटीए कैटेगरी की, वो एसटीए कैटेगरी की सीटें बाद में भी वैकेंट रहती हैं और ये कन्वर्ट होती हैं एसटी कैटेगरी में। तो ये जानकारी थी राजस्थान के फर्स्ट राउंड की कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ हाई रही है और हर बार राजस्थान के फर्स्ट राउंड की कट ऑफ हाई रहती ही है। तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।